सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे हमारी जर्नी देहरादून से त्रियुगी नारायण तक की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और ये पेट्रोल पंप है, यहाँ हम रुके हुए हैं। इसके बाद हम रुकेंगे तीन धारा में, अभी सब यही है तो दिखाएंगे। तो यहाँ से रास्ता है, अब हम जा रहे हैं। ये मैंने पहले दिखा रखा है, ये हमारी ट्रैवलर है जिसमें हम जा रहे हैं। तो ये है हमारी देहरादून से त्रियुगी नारायण की जर्नी का रूट मैप। गंगा जी तक अब हम पहुँच चुके हैं कोटियाला। यहाँ से तीन धारा थोड़ी सी दूर है, एक धारा है। पहुँच गए हैं कोटियाला। तो यहाँ से ऐसे दिखता है नदी। कोटियाला से व्यू अच्छा दिखता है, तो वो दिखाएंगे हम अभी आपको। और कायाक भी हो रही है। अब हम पहुंच चुके हैं तीन धारा, सब उतर रहे हैं। यहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे, खड़े हो गए हैं सारे। भाभी और पहले पहुंच गए तीन धारा, वो कार से आ रहे थे। और ये सोनू और यहाँ से अभी उधर चाचा जी भैया के साथ आए थे, चाचा चाची। देहरादून से त्रियुगी नारायण मंदिर की डिस्टेंस है अराउंड 243 किलोमीटर्स और ये सफ़र कंप्लीट करने में अराउंड 8 और 8.5 आवर्स लग जाते हैं। और ये सब डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना है और रास्ता कैसा है। भूमि इधर देखो, इधर भूमि इधर। हाँ बस में देखना है। हाँ व्लॉग बना रही हूँ। आगे चलो भैया, भाभी चाचा चाची अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। और ये है रेस्टोरेंट जिसमें आप खाना खाएंगे। ये तीन धारा ऐसे अंदर बैठ रहे हैं। और फूफू जी भी, बड़ी फूफू पहले देख मिले होंगे पहले के वीडियो में। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, उधर भी बैठे हैं। इधर भैया पापा और बैठे हैं। खाना लग गया। इधर मौसी है, दीदी है, अब हम खाएंगे। गंगा जी का व्यू, इस सड़क से आए हम। ये क्या गिनती कर रहे भूमि, दिखो। मानी मानी छी गंदा भूमि, इधर देखो देखो, इसको तो ऐसी जगह ही अच्छा लगे। देखो नदी के साथ साथ उधर भी रोड है। अब हम पहुंच चुके हैं तीन धारा और यहाँ से हम फोटो ले रहे देख लेते हैं आधा घंटा। ना ना श्रीनगर तक जाना चाहिए, तब वो हम डे हुए मजा लगा गाड़ी। भूमि कैसा लग रहा, भूमि भूमि देखो 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 अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर और यहां से त्रियुगी नारायण मंदिर की डिस्टेंस है अराउंड 115 किलोमीटर्स। ये डैम का पानी है, आगे आएगा धारी देवी मंदिर। श्रीनगर में है हम अभी, दिख रहा है धारी देवी मंदिर। देहरादून से त्रियुगी नारायण मंदिर पहुंचने का रूट मैप बहुत ही सिंपल है। रास्ते में पहले आएगा हरिद्वार, फिर ऋषिकेश, फिर देवप्रयाग और उसके बाद आएगा श्रीनगर, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि,
गुप्त काशी, सोन प्रयाग और फिर त्रियुगी नारायण। यहाँ पे हम चाय पीने के लिए रुके हैं सबके सब। इधर से मौसी आ रही है, मम्मी और आ गए चाय पीने, दादाजी हैं और ये छोटी फूफू, रंजू दीदी, बुढ़ी जी, दादाजी, रेखा दीदी, भागा दीदी, बड़ी मामी जी, मौसी जी और वो दो मौसी जी और आ रहे हैं। एक अब हम गुप्त काशी पहुँचने वाले हैं। गुरियाल का पौधा पेड़ है। गुप्त काशी से त्रियुगी नारायण मंदिर की डिस्टेंस है अराउंड 39 किलोमीटर्स और यहां से मंदिर पहुंचने में अराउंड 2 और 2.5 आवर्स लगते हैं। अभी हम फाटा में हैं, ये इस ट्रैवलर में आए हम और पापा, भाई, दादाजी, चाचा जी, ये सब आगे जा रहे हैं क्योंकि फाटा से थोड़ी आगे रोड ब्लॉक हो रखी है। अभी 4:50 हो गए हैं। ये सब अभी आगे का रास्ता देखने जा रहे हैं, बाकी अंदर बैठे हैं, बाकी वो पैदल पैदल जा रहे हैं, अभी हम दिखाएंगे। मम्मी देखो, मम्मी और मैं यहाँ बैठे हुए हैं। मम्मी कैसी हो गई? हाँ, तो मम्मी और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम वेट कर रहे हैं, रास्ता खुलेगा तो थोड़ा ठंडा ठंडा भी है यहाँ पे, तो अभी ठीक है। 4:50 पे मतलब ठंड होने लग गई है थोड़ी सी। ये भूमि है, वो भी फाटा में वेट कर रही है, रोड ब्लॉक कर रखी है खुलने का, और भाभी है। हाँ, भूमि को क्या मिल गया? चिप्स।
मिल गया। अरे आगे थके ना वहाँ पर अच्छा भी नहीं था, खाने के लिए भी नहीं है। अच्छा मैगी अच्छा कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ तो आप सब ये पीछे आ गए, आगे चले गए थे पैदल के चल के आए वहाँ से नीचे से ना, वहाँ से पूरा पैदल मलबा गिरा हुआ है ना वहाँ से, फिर उनको हम यार गाड़ी में लेके आए यहाँ तक। अच्छा चाचा जी हैं, अभी काम करना चाहो, मम्मी है, बड़ी मौसी, फिर मौसी, फूफू, रेखा जी, भाभी, और इधर काम कर रही पैसा नहीं लूंगा, मैं वेट कर रही हूं और खाना ना ना ये तो फाटा है। और यहाँ पे हमने चाय पिए, यहाँ पे हम रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, पैकिंग के लिए बढ़िया है। हाँ हाँ वहाँ पे ना, और ये फाटा है, ये है केदारनाथ मार्ग फाटा जिला रुद्रप्रयाग। और यहाँ पे आगे रास्ता जाम हो रखा है तो गाड़ी यहाँ खड़ी है, उधर बैठे हुए हैं चाय पीने वाले, और इधर है दीदी मौसी है वो। हाँ ये है, हाँ क्या हो रहा थी भैया, यहाँ बढ़िया चल रही है। मैंने आलू की सब्जी कर दी, किसे मिल गया भूमि के लिए, मिल ही गया खाना। जब रास्ता खुलेगा तब हम जाएंगे, तो यहाँ को जाना है अभी, हम इस इधर को जाना है, इस शॉप में रुके हैं। सही दादा जी और हैं, चाचा जी हैं, पता चला कैमरा मैन भी नहीं पहुँचा तो कुछ तो है सबूत, हम गए थे फाटा में है। दुल्हन तो बस वीडियो बना रही है वहाँ, तो हम जाने से लेके ही बैठ गए, दुल्हन वीडियो बना रही, दुल्हन के मजा आ गई। हाँ वीडियो हाँ, हमारा कैमरामैन नहीं पहुँचा तो फोटो। आगे रास्ता जाम है, किताब पराठे की तारीफ। अच्छा पराठे अच्छे बने थे, और क्या बनाना दाल चावल लगी है, अभी तक तो हम बड़े गर्मी के उसमें आए थे, अब देखो स्वेटर पहन दिए। हाँ वापस स्वेटर लेके आ गए, अब मम्मी की भी स्वेटर, मम्मी भी अब देहरादून से हम गर्मी के उसमें आए। पहले आप चले गए थे ना, आपको बाबा तो काफी जाम था, बहुत दिक्कत हो गई, पूरा एक छोटा सा पहाड़ है पूरा नीचे आने के लिए, और छोटा भी तो होगा छोटा नहीं है। खाना पक रहा है, पीला सही है, लंबा लंबा खाने के लिए खाने पे। अब रात हो चुकी है और भूमि चूल्हे की रोटी खा रही है, सॉस के साथ रोटी बनती है, रोटी कौन कौन बनी है, रोटी सॉफ्ट टेस्टी है, चूल्हे की रोटी बनती है, रोटी ये तो सूखी भी अच्छी लग रही है, ऐसे ही खा लो ना, वो भी अच्छी परेशान हो चुकी है, आज सुबह से ट्रैवल कर रही है, भले उसको वोमिट नहीं हुई इस बार, सफर रास्ता अच्छा था।
तो आज है 16th of April, हम 15 को निकले थे देहरादून से और रास्ते में फाटा के पास रुके हुए हैं क्योंकि आगे इससे 2 किलोमीटर आगे पत्थर गिर गया जब थे ऊपर से, तो पूरा रास्ता जाम हो गया। कल रात को 12:30 बजे खुला, तो हम इस इधर आते थे जो गेस्ट हाउस है फाटा के पास, तो आगे इधर आ गए थे। तो यही हमने स्टे किया, दिखाते हैं अभी। तो ये ऐसा है, उधर की हमारी गाड़ी है और फिर यहाँ से दिख रहा है, ये है गेस्ट हाउस, इसमें रूम्स हैं। तो मेरे सबके लिए रूम्स मिल गए थे, सही है रूम्स ही अभी बनाए। तो यहाँ पे 3 बेड लगे हुए हैं, बाथरूम भी है, गीजर है, सब कुछ है, तो दिक्कत नहीं होगी इतनी। ऐसे ही रहा कल, मौसी जी और सब निकल गए। अब हम जा रहे हैं, तो अब हम सब जा रहे हैं, तो गढ़वाल मंडल में हमारे बुक है रूम त्रियोगी नारायण में, वहाँ जाएंगे। और कुछ रूम्स लॉज में बुक है, तो उधर कल काफ़ी लोग फंसे हुए थे पत्थर गिरने की वजह से 15 अप्रैल को, तो आज तो खुल गया है, मतलब कल ही खुल गया था रात को 12:30 बजे, तो अब जाएंगे हम वहाँ। अब हम जा रहे हैं फाटा से त्रियोगी नारायण के लिए, यहाँ से दिखा रहा है 13 किलोमीटर, फिर वहाँ से हम जाएंगे 12 किलोमीटर त्रियोगी नारायण आगे। बर्फ, दादाजी, ये सोनू, तो बस ये वाली ट्रैवलर है एक और एक कार है हमारी, और इसमें ठहरे थे हम, ये वाला जो है लॉज। तो ये जो पीछे पिंक कलर का गेस्ट रूम है, इसमें ठहरे थे हम फाटा के आगे, और अब हम जा रहे हैं त्रियोगी नारायण। हाँ चलो, तो अब हम यहाँ चाय पी रहे हैं, मौसी जी हैं, बात कर रही इधर से। नींद आ गई सबको, सही जब नींद आ गई सबको, सही। अच्छा, हाँ खींच ली मैंने, सुबह यहाँ चाय पी रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, अब हम चल रहे हैं। अब हम सब जा रहे हैं, आज वहाँ पे हल्दी का फंक्शन है, ऐसे ही है रास्ता, तो फाटा के पास जिस होटल में हम रहे थे उसका नाम है शिवम होटल, और वहाँ पे अभी नया खुला है, तो उसने गीजर भी है, सब फैसिलिटी अच्छी है, रूम्स भी बढ़िया है, और रजाई भी आपको इसकी जल्दी मिल जाती है। तो वहाँ हम ठहरे थे, तो ये तिवारी जी का होटल है, तो हमें सारी फैसिलिटी वहाँ मिल गई थी, नाइट स्टे हमारा सही हो गया, उनका एड्रेस है। ये है उनका फोन नंबर। फाटा से त्रियोगी नारायण मंदिर की डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। ये वाला एरिया है, ये वाला है जो पूरा गिर गया था नीचे 15 अप्रैल को, बहुत मतलब साफ कर दिया उन्होंने इतने घंटों में, दोनों साइड से ट्रेन लगी हुई, तो ये वाला भी दर्शन। पूरे रास्ते में यही था एक खराब, ये वाला पैच था, बस पूरे रास्ते में यही दिक्कत हुई हमें, पूरा ठीक ही था। ये आर्मी के गेस्ट रूम से है, सीतापुर है ये। अब हम पहुंच गए हैं सोन प्रयाग, यहाँ से गाड़ी मोड़ेंगे, पार्किंग अच्छी बन गई 19 के बाद, तो हम 19 के अंदर देखेंगे जाना, अभी बैठेंगे 19 में आए थे ऊपर की तरफ, SBI है जिस तरह उस ATM के गौरीकुंड है, यहाँ से पहुँच गए सोन प्रयाग, ये आगे रास्ता है गौरीकुंड जाने का।
ये हेलीपैड है और उसके बगल में पार्किंग है। अब हम पहुंच गए त्रियोगी नारायण और अभी तो हम इधर वाले में ठहरे हैं। मेरे को हमारा भी चेकआउट होगी, एक बार व्यवहार में बचे तो वहाँ पर हम जाएंगे। अभी हम यहाँ पर आएंगे।